हेलो एंड वेलकम बैक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डफ्ट ऑफ फ्लावर्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोइम पब्लिश हुई थी 1913 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बुक अ बॉयज़ विल में इस पोइम की जो राइमिंग स्कीम है Uh, वो है ए ए बी बी सी सी डी डी और फिर ऐसे ही ए ए बी बी सी सी डी डी ये पोएम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है कपलेट हम लोग जानते हैं कि टू लाइंस पोइट्री होती है जिसमें सेम राइम और सेम मीटर यूज़ किया गया होता है और जो हीरोइक कपलेट है उसमें आई एम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया हुआ होता है इस पोएम के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो पोए है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है मोनोलॉग कौन सा होता है जिसमें जो हमारा पोइट है या जो फिर जो राइटर होता है वो खुद ही बात कर रहा होता है और उसमें जो उसकी ऑडियंस होती है वो रीडर्स होते हैं यानी कि हम लोग ठीक है अब ये जो पोम जब पोम जो है इंसान के जो रिलेशन हैं उसका जो उनके दरम्यान जो बॉन्ड है ब्रदरहुड का उसको एग्जेजरेट करती है अब ये किस तरह से एग्जेजरेशन होती है आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें है ग्रास सारी घास काटी जा चुकी है अब घास काटने के बाद का जो अमल होता है उसके बारे में बयान किया गया है इस पोइम में कि जो घास काटने वाला था मोवर था उसने पूरी घास काट ली है लेकिन फूलू का एक जो गुच्छा था वो रहने दिया है ठीक है अब जो फूलों का गुच्छा है वो एक बॉन्ड बनाता है उस मोवर और जो हमारा पोइट है उसके दरमियान ठीक है घास काटने का अमल अमूमन होता है सुबह सवेरे के उस वक्त जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं उसकी वजह से घास बहुत ज़्यादा नर्म हुई पड़ी होती है अब यहाँ पे बात की गई है साइथ की के उसके उसके साथ घास काटी गई है साइथ जो है ये एक आला होता है जिससे घास काटी जाती है आप इस तस्वीर में देख रहे हैं अब ये जो फ्लावर्स हैं टफ्ट ऑफ़ फ्लावर्स इस पोएम के नेम से ही जाहिर है कि यहाँ पर फूलों की बात की जाएगी तो घास काटने के बाद पूरा जो लॉन था या फिर जो घास का मैदान था उसको काट दिया गया है लेकिन फूलों को छोड़ दिया गया है अब ये फूल जो है ये राइटर और जो घास का इसके इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टफ़ टफ़ फ्लावर्स की एक्सप्लेनेशन और साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया को थीम्स को उसको सबको टच करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेशन जो है आई वेंट टू टर्न द ग्रास वंस आफ्टर वन हु मोड इट इन द ड्यू बिफोर द सन अब जो पोएम के स्टार्टिंग लाइन्स हैं उसमें बयान किया गया है कि जो सुबह सवेरे घास काट जा चुकी है कब जब शबनम थी और सूरज नहीं निकला था ठीक है तो ये वो मंजर बयान किया गया द ड्यू गॉन दैट मेड हिज ब्लेड सो बिफोर आई केम टू व्यू टू व्यू द लेवल्ड सीन अब जो ब्लेड uh, है यानी कि जो साइड है जिस आले से जो मोवर था उसने घास काटी है वो इतना शार्प था कि उसने पूरा जो लैंडस्केप है उसको बिल्कुल ही प्लेन कर दिया है लेवल कर दिया है सीन को मेरे आने से पहले आई लुक बिफोर हिम बिहाइंड एन Isle of Trees, I uh, listened for his wet stone on the breeze. Abjo ये आयल होता है ये कहते हैं ये दरख्तों के झुंड को कि दरख्तों के झुंड के पास मैंने वहाँ पे भी देखा है कि जो उसका आला था जब वो ज़मीन पर पड़ता है तो हवा के साथ उसकी किस तरह की आवाज़ पैदा होती है मैंने उसको भी सुनने की कोशिश की गई है अच्छा अब जो ये लाइंस हैं इससे ज़ाहिर होता है कि पोइट जो है वो अकेला है अब वो लोनलीनेस को अब किस तरह अपना अपने रीडर्स को बताना चाह रहा है अपनी तन्हाई के बारे में कि वो हर छोटी छोटी चीज़ को महसूस करता है उसने यानी कि जो आवाज़ थी हवा की आवाज़ और वो उस घास काटने वाले आले की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ उस सब को वो महसूस करता है बट ही हैड गॉन हिज वे अब कौन चला गया है ये जो घास काटने वाला बंदा था वो चला गया है द ग्रास आलम और घास काट के वो अपना काम करके चला गया है एंड आई मस्ट बी एज़ ही हैड बीन एलोन और मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे वो अकेला था अब सुबह सवेरे तो और नहीं था सिर्फ वही इंसान था जिसने घास काटी है और अब उसके बाद जी पोइट आ गया है उस जगह पे एज आल मस्ट बी आई सेट विद इन माई हार्ट वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट अब पोइट कहता है कि मैं अपने दिल में कह रहा हूं कि वो जो काम करने वाला था उसने अकेले काम किया था या उसके साथ भी कोई और था अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हैं वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट अब यहां पे जो हमने स्टार्ट में बात की है पोइम की के टफ्ट फ्लावर्स जो है ये एक ह्यूमन रिलेशन के बॉन्ड को एक्सप्रेस करता है तो यहां पे वो इन इन लाइन्स के थ्रू जो पोइट है वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है ठीक है बट एज आई सेट इट्स स्विफ्ट देयर पास्ट मी बाय अब ये जो लाइन्स हैं बट ये यहाँ से ये जो लाइन स्टार्ट हो रही हैं ये हैं पैसिव एटीट्यूड को शो कर रही हैं यहाँ पे उसका अकेलापन दिखाया गया है ना उसकी थीम ऑफ लोनलीनेस को एग्जाजरेट किया गया है बट एज़ आई सेड अब जब ये बात जो कर रहा है पोइट के वो उन लोगों ने इकट्ठे काम किया होगा या अकेले तो स्विफ्ट देयर पास मी बाय मेरे पास से एक गुज़री है एंड ऑन नॉइजलेस विंग अ वाइल्डर्ड बटरफ्लाई जब वो दिल में ये बातें सोच रहा होता है तो इसके पास से एक बटरफ्लाई जो है घूमती हुई वो गुजरती है अब यहाँ पे ये अगर हम गौर करें तो तितली के जो उड़ने की आवाज़ होती है वो तो बिल्कुल नहीं आती लेकिन इतनी तन्हाई है पॉइंट के आस पास के वो उसके परों की आवाज़ भी सुन लेता है और उसे देखने लग जाता है सीकिंग विद मेमोरीज़ डिम ओवर नाइट अब ये बटरफ्लाई के बारे में बात की गई है कि बटरफ्लाई भी हैरान हो रही है कि यहाँ कल तक तो घास थी लेकिन आज सुबह सुबह रात एक ही रात में क्या हो गया है सम रेस्टिंग फ्लावर ऑफ़ यस्टर डेज डिलइट अब यही बटरफ्लाई सोच रही है कि यहाँ कल तो फूल खिले हुए थे अब वो कहाँ चले गए हैं और ग्रीनरी कहाँ चली गई है ग्रीनरी तो है लेकिन वो जो घास थी बड़ी बड़ी वो कट चुकी है एंड वंस आई मार्क्ड हिज फ्लाइट गो एक बार मैंने उसे जाने दिया राउंड एंड राउंड अब वो जो वाइल्डर्ड बटरफ्लाई थी अब वो घूमती हुई दोबारा चली गई है एज वे सम सम्लोअर ले विदरिंग ऑन द ग्राउंड अब वो घूम फिर के फिर वापस आ जाती है एंड देन ही फ्लू एज फार एज़ आई कुड सी और पोइट जो है उसे तब तक देखता रहता है जब तक के वो आंखों से उसकी दूर नहीं हो जाती उसे नजर आना बंद नहीं हो जाता एंड देन ऑन ट्रिमुलस विंग केम बैक टू मी अच्छा अब पहले तो वो उसे देखता रहता है कि वो उससे दूर चली गई है लेकिन वो दोबारा वापस आ जाती है उसके पास आई थाट ऑफ क्वेश्चन दैट हैव नो रिप्लाई एंड वुड हैव टर्नड अच्छा अब पोइट जो है वो खुद से ही सवाल करता है अब और अपने क्योंकि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो उसकी जो ऑडियंस है जिससे वो बात कर रहा है वो उसके रीडर्स ही हैं तो वो कहता है कि जो उसके क्वेश्चन है वो हमसे ही कर रहा है टू टॉस द ग्रास टू ड्राई बट ही टर्न फर्स्ट एंड लेड माई आई टू लुक अब यहाँ पर सारी जो लाइन्स हैं ये कपलेट uh, में दी हुई है ना अब हीरोइक कंप्लीट कौन सी होती है जिसमें आईएम्बिक पेंटामीटर यूज किया होता है अब ये पूरी पोयम जो है ए ए बी बी सी सी डी डी की राइमिंग स्कीम से यूज की गई ये लिखी गई है और इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन ये भी हमें वाज़ह हो गया है कि ये बयान की गई है ठीक है अब जो है इसकी अ लीपिंग टंग ऑफ द ब्लूम द साइट हैड स्पेयर्ड बिसाइड अ रीडी ब्रूक द साइट हैड बेयर्ड अच्छा अब जो uh, शायद कहते हैं घास काटने वाले आले को ठीक है इसकी पिक्चर मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ तो अब किस तरह से वो कहते हैं कि जो ब्रूक है वो कहते हैं नदी के किनारे अब नदी के किनारे जो घास का मैदान था जहाँ से घास कटी हुई है और साथ में साथ में दरख्तों का एक झुंड भी है उसके बारे में बात की गई है तो पोइट पो, कहता है कि जो घास काटने वाला इंसान था वो तो चला गया है कि जिसने पहले ही अपना जो घास काटने का काम है वो ख़त्म कर लिया है अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो अकेला ठहरा है और उसकी जो पीसफुल इमेज है वो रिलेट करता है उसकी फीलिंग्स के साथ अब ये यहाँ ग्रासी फील्ड की सेटिंग है और नदी साथ में बह रही है लेकिन जो उसकी पोइट की जो फीलिंग्स थी पहले तो वो लोनलीनेस से अब थोड़ा सा पीस की तरफ आ रही हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे इस न, रॉबर्ट फ्रॉस ने किस तरह से अपनी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को बयान किया है इसके बारे में अब बात करें कि जो फाइंडिंग दैम बटरफ्लाई वीड वैन आई केम द मोर इन द ड्यू हैड लव दैम दस बाई लिविंग दैम टू अच्छा अब यहाँ पर किसकी बात की गई है फूलों की बात की गई है कि जो बटरफ्लाई थी जब वो वापस आई है तो वो ना उन फूलों की तरफ चली गई है जो घास काटने वाले इंसान ने छोड़ दी थी अब ये जो फूलों का जो गुच्छा था द टफ ऑफ फ्लावर्स था तो ये इस इस पर नज़र पोइट की किस तरह से पड़ी है उस बटरफ्लाई की वजह से अब वो बटरफ्लाई जब फूलों पे जाके बैठती है तो पोइट जो है वो देखता है फिर वो कहता है कि ये जो इस कटी हुई पूरे यहाँ से इस मैदान से घास तो काट दी गई है लेकिन जो घास काटने वाला इंसान था वो भी नेचर लवर था मेरी तरह जैसे मैं नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वैसे ही वो भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसलिए उसने ये फूलों को छोड़ दिया है ठीक है आई लेफ्ट माई प्लेस टू नो दैम बाय देयर नेम फाइंडिंग दैम बटरफ्लाई वीड वैन आई केम द मोर इन द ड्यू हैड लव दैम दस बाई लिविंग दैम टू फ्लोरिश नॉट फॉर अस अब जो था मोर था उसने जो फूल छोड़े हैं वो इसलिए नहीं छोड़े कि वो फलते फूलते रहे नहीं उसने उनकी खूबसूरती से इंप्रेस होकर उन्हें छोड़ दिया है नोर येट टू ड्रा वन थाट ऑफ आवर्स टू हिम और ये भी नहीं उसने इसलिए भी uh, जो मोर uh, था उसने इसलिए भी नहीं छोड़ा फूलों को कि uh, कोई भी अगर देखे उसे जैसे अब पोइट देख रहा है तो उसके बारे में सोचे अब ये जो है बॉन्ड uh, बन गया है ना ये फूल जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं रिले ये, ये, ये किसका रिलेशन है ब्रदरहुड का अब पोइट सोच रहा है फिर भी तो ना चाहते हुए भी उसी मोर के बारे में ही सोच रहा है बट फ्रॉम शेयर मॉर्निंग ग्लैडनेस एट द ब्रिम द बटरफ्लाई एंड आई लिट अपॉन नेवर दिलेस अ मैसेज फ्रॉम द डॉन दैट मेड मी हेयर द वनिंग बर्ड्स अराउंड एंड हेयर इज़ लॉन्ग साइथ फिस्परिंग अब कहता है कि इस सब के बावजूद भी मुझे उसका जो बड़ा बड़ी उसकी दरांती थी जिससे उसने घास काटा है तो उस आले की आवाज़ अभी भी आ रही है कि जब वो ज़मीन पर पड़ती है और घास के ऊपर उसके पड़ने से जो उसकी क्रश की जो साउंड आती है तो हवा के साथ वो अभी भी मुझे उसकी सरगोशियाँ सुनाई दे रही हैं एंड फील अ किंडर टू माई ओन सो दैट Henceforth, I worked no more alone. I that means that not alone. But glad with him, I worked as with his aid, and weary sought at noon with him the shade. And dreaming, as it were, held brotherly speech with one whose thought had not hope to reach. Men work together, I told him from the heart. Now, these lines, whether they worked together or apart, मैन वर्क टुगेदर, आई टोल्ड हिम फ्रॉम द हर्ट ये जो लाइन्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं और ये रिपीट भी इसलिए की गई हैं इसको एग्जाजरेट करने के लिए मीनिंग को एग्जाजरेट करने के लिए अब अब हम लोग इसकी जो एनालिसिस है, उसमें ये देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो तो सिंबलाइज कर रहे हैं और एक बॉन्ड इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं ये पूरा जो सीन है इसमें इमेजरी भी बयान की गई है फ्लावर्स जो हैं वो सिंबल हैं एक बॉन्ड ह्यूमन रिलेशन के बॉन्ड का अब इसकी हम फॉर्म की या स्ट्रक्चर की बात करें तो टफ़ टफ फ्लावर्स हीरोइक कपलेट में लिखी गई है जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें वेरिएशन भी हैं लेकिन इसका जो आया वो जो आयाम्बिक फुट है वह आयाम्बिक पेंटामीटर क्योंकि हीरोइक कपलेट आयाम्बिक पेंटामीटर में होती है और इसके बाद है जो इसकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं वो ओल्ड फैशन किस तरह से हैं यानी कि जो हमने लाइंस पढ़ी हैं उसमें जो आर्केक साउंड है जैसा कि ओवरनाइट को ओ और अपास्ट्राफी कॉमे वाले ई आर के साथ ओवरनाइट और हैंस् फोर्थ ये जो है ये इसको ना यानी कि ओल्ड फैशन को ज़ाहिर कर रहे हैं ठीक है अब इसमें तमाम राइम्स जो हैं उसकी मे जो स्पीड और ये सारी कुछ ये परफेक्टली यहाँ पे बयान की गई है और जो लैंग्वेज है वो भी सिंपल है कोई इतनी इसमें एग्जैजन नहीं है और लाइंस की रिपीटेशन भी है ये वाली लाइंस की वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट लाइंस रिपीट भी की गई हैं ठीक है थीके, अब टफ ऑफ फ्लावर्स के थीम्स की अगर हम बात करें तो इसके जो मेजर थीम्स हैं उसमें थीम ऑफ आइसोलेशन है उसके अलावा थीम ऑफ फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप के अलावा मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड अब एक एक करके हम इनको देखेंगे तो सबसे पहले ये लोनलीनेस का जो थीम था वो किस तरह से है आइसोलेशन का जब पोम स्टार्ट होती है तो पोइट जो है वो अकेला है वहाँ और कोई नहीं है और उसका मूड जो है वो भी पैसिव है कि उसे मतलब कि पहले पहले उसका जो थीम ऑफ लोनलीनेस एग्जेजरेट हो रही होती है इस लाइन में कि बट ही हैड गॉन हीज़ वे द ग्रास आलमोन एंड आई मस्ट बी एज ही हैड बीन ए लोन यानी कि पहले वो अकेला काम करता रहा है अब यानी कि राइटर अकेले काम कर रहा है तो थीम ऑफ आइसोलेशन यहाँ पे ब्यूटीफुली um, एक्सप्लेन किया गया है इसका uh, जो पोइट का पैसिव मूड है वो भी बयान किया गया है ठीक है उसके अलावा है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का जो थीम है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनालिसिस में कि जो मूवर था और जो पोइट है इनके दरमियान जो बॉन्ड बना रहे हैं फ्लार्स अब ये इनकी ह्यूमन रिलेशंस जो हैं ब्रदरहुड के इसकी वजह से इनकी दोस्ती भी बन गई है कि जानते नहीं हैं दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते लेकिन जो उनकी सॉफ्ट फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए वो उनकी फ्रेंडशिप को ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरा एक फ्रेंडशिप ये हो गई दूसरी जो फ्रेंडशिप है वो है दोनों की एक जो घास काटने वाला था और जो पॉइंट है उन दोनों की नेचर के साथ फ्रेंडशिप क्योंकि दोनों ही नेचर लवर हैं उसके बाद है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड ये फिर बिल्कुल वही बात आ गई कि दोनों जो हैं खूबसूरती ही दोनों को इम्प्रेस करती है अब ब्यूटी किस तरह से दोनों को इम्प्रेस करती है नेचर क्या है पोइट जो था वो उस ग्रास फील्ड में गया भी इसलिए है ताकि अपनी वो तन्हाई को दूर कर सके अब कंपनी ऑफ नेचर हमारे लिए हर इंसान के लिए नर्स भी होती है गाइड भी होती है और उसे सूदिंग इफेक्ट भी देती है तो इस लाइन में नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटीफुल एग्जाजेशन है अब जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का इसमें है तन्हाई को दूर करना किससे खूबसूरती और नेचर से ठीक है जो नेचर है वो हमारी सोल को एक सूदिंग इफेक्ट देती है ठीक है ये इसका हो गया सेंट्रल uh, आइडिया अगर कोई इसके अलावा कोई और चीज़ आपको समझ ना आई हो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके